लास्ट वीडियो में जो बैकडोर हमने क्रिएट किया था यूजेस अ रिवर्स पेलोड, और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका पेलोड आपके टारगेट पीसी पर पोर्ट ओपन नहीं करता है, इट एक्चुअली कनेक्ट फ्रॉम द टारगेट कंप्यूटर टू अवर कंप्यूटर, और ऐसा करते समय ये अपनी फायरवॉल यानी विक्टिम कंप्यूटर की फायरवॉल को बायपास करता है। सो ऐसा करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर इस पोर्ट को यानी पोर्ट 8080 को ओपन करना होगा, सो दैट द पेलोड कैन कनेक्ट फ्रॉम द टारगेट कंप्यूटर टू अस ऑन दैट पोर्ट। ओके, सो इफ यू रिमेंबर कि लास्ट वीडियो में हमने जो बैकडोर क्रिएट किया था वो की क्रिएट किया था पोर्ट 8080 में, सो आई नीड टू ओपन द पोर्ट 8080 इन माय काली मशीन, सो दैट जब टारगेट पर्सन उस पेलोड को एग्जीक्यूट करेगा उसके अपने पीसी पर, उस समय बैकडोर या पेलोड कनेक्ट बैक टू माय कंप्यूटर ऑन माय काली मशीन ऑन पोर्ट 8080। नाउ मेटा एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए हमें MSF कंसोल को रन करना होगा। मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क एक्चुअली इट्स अ ह्यूज फ्रेमवर्क जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज होता है, और मीटरपिटर एक्चुअली या मीटरपिटर बैकडोर या मीटरपिटर पेलोड दैट विल क्रिएटेड जो हमारे लिए बनाया है, एक्चुअली मेटा एक्सप्लॉइट का एक प्रोग्राम का एक नाम है ओके, और इसे उसी ने बनाया जिसने मेटा एक्सप्लॉइट बनाया। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला। इसलिए हम मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ करते हैं टेस्टिंग फॉर द रिवर्स कनेक्शन ओके, और इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें से एक मॉड्यूल को हम यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। आप देख सकते हैं मैं उसे यूज़ कमांड के साथ यूज़ कर रहा हूँ, और जस्ट हिट इंटर और यहाँ आप आ जाएंगे, और यहाँ आपको सिर्फ एक कमांड देनी दैट इज ऑप्शंस, या सिंपली आप लिख सकते हैं शो ऑप्शंस, तो आपको सारे ऑप्शंस शो करेगा ओके, जो भी आपने पेलोड में सेट किए थे। अब इस पेलोड का हमें सेट करना है रिवर्स कनेक्शन के लिए, और ये हम बना रहे हैं विंडोज़ के लिए, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेट विंडोज़ ओके, क्योंकि हम इसे विंडोज़ के लिए सेट कर रहे हैं। सो ऑप्शंस देने के बाद जस्ट हिट इंटर करें, और आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड जो इसको देनी है आपके पेलोड को दैट इज सेट, और आपको इसको आपको ये पेलोड सेट करना है, सो आप लिखेंगे पेलोड, ये आप बना रहे हैं विंडोज़ के लिए, सो आप स्पेस देंगे लिखेंगे विंडोज़। अब विंडोज़ के लिए आपने सेट कर दिया, फिर आप देंगे स्लैश। अब आपको एक रिवर्स कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, मीन्स आप चाहते हैं कि आपका टारगेट खुद उसे आपसे कनेक्ट हो, आपको उससे ना कनेक्ट होना पड़े क्लिक होते से, सो आप यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स मीटर पिटर, क्योंकि मीटर पिटर के थ्रू ही हम रिवर्स कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, देन स्लैश देंगे देन रिवर्स ओके ओके। यहाँ पे आप रिवर्स लेंगे, और आप चाहें तो पोर्ट 8080 यूज़ कर सकते हैं, HTTP या आप TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे TCP इस्टेब्लिश किया, सेट पेलोड TCP ओके। सो जब मैंने आपको बताया था तो मैंने दो पेलोड जनरेट किए थे, आपके सामने एक ही जनरेट किया था पोर्ट 8080 HTTP के साथ, और एक मैंने जनरेट किया था TCP के साथ। तो अभी मैं TCP वाले को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप HTTP वाले जो हमने क्रिएट किया था उसको यूज़ करना चाहते तो आप रिवर्स HTTP लें ओके। सो यहाँ पर TCP लेने के बाद अब हमें इसकी बाकी के जो एल पोर्ट एल होस्ट ये सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, वापस से देना पड़ेगा जो हमने पेलोड में दिया हुआ था, एग्जैक्ट वही सेटिंग्स हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी ओके। सो आपको वापस से सारी सेट कमांड जो है वो वापस से यूज़ करनी है, एल होस्ट सेट करना है, एल पोर्ट सेट करना है, और ताकि वो जो रिवर्स कनेक्शन है वो आपके यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। सो आप यहाँ पे देखें सेट एल होस्ट, और एल होस्ट में आपके काली मशीन का IP एड्रेस आएगा ओके। सो आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी काली मशीन का IP बताया था, आपको अपनी काली मशीन का IP देना ना कि मेरे ओके। एंड जस्ट हिट इंटर, आपका एल होस्ट सेट हो गया है, आपको एल पोर्ट सेट करना है, तो आप लिखेंगे सेट एल पोर्ट, और जो पोर्ट आप दे रहे हैं पोर्ट 8080 ओके, जस्ट हिट इंटर। और इसके बाद आपको अपने सारे ऑप्शंस चेक कर लेने हैं कि प्रॉपर सेट हुए हैं या नहीं हुए, सो जस्ट टाइप ऑप्शंस, और आपको सारे के सारे ऑप्शन शो करेगा जो जो आपने अभी सेट किए थे। इसके बाद सिर्फ एक्सप्लॉइट करना बाकी है, सो एक्सप्लॉइट करने के पहले हम जाएंगे अपनी विंडोज़ मशीन पर और विंडोज़ मशीन को ऑन करेंगे ओके। सो चलते हैं विंडोज़ मशीन पर, पहले उसे ऑन कर लेते हैं, देन हम विंडोज़ मशीन पर इस एक्सप्लॉइट को भेजेंगे, इस पेलोड को भेजेंगे सॉरी ओके। काली कम्स इन विथ अ वेब सर्वर,
और जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप काली को एक वेबसाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमने जो पेलोड बनाया था, जो बैकडोर बनाया था, उसे हमें उस वेबसाइट में अपलोड करना है। सो हमारी वेबसाइट की डायरेक्टरी कहाँ पर है, हमें जस्ट वॉर के अंदर जाना है, देन www, और हमें अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी मिल जाएगी, और उस डायरेक्टरी में जाके हमें सिर्फ पेलोड डालना है, और फिर टारगेट मशीन से उस वेबसाइट को एक्सेस करा के उस वेबसाइट से वो जो पेलोड है वो डाउनलोड कर लेना है अपनी टारगेट वेबसाइट में। ओके, सो दिस इज़ द स्मार्टेस्ट मेथड कि हम किस तरीके से अपने विंडोज़ मशीन में उस पेलोड को पहुंचा सकते हैं। ओके, सो हमें अपने विंडोज़ हमारी काली मशीन में जो हमारी वेबसाइट है उस डायरेक्टरी में जाना है, और हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे और उसका पाथ है वॉर, देन www। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है www, यू कैन सी हियर, ओके www। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे सो ये ओपन हो गया, देख रहे हैं आप html। यहाँ पर आप मेन फोल्डर जो होता है दैट इज़ ओनली index.html, और जो बाकी के फोल्डर दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शनल है, एक्चुअली क्रिएट किए गए हैं। सो आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, और उस फोल्डर के अंदर आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, उस पेलोड को अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो जो भी पेलोड हमने जनरेट किया था, आपको याद है हमने पेलोड जनरेट किया था, पेलोड जनरेट किया था हमने विले विजन से, तो उसका जो पाथ है वो आपको ध्यान होगा कि वो कहाँ पर है। सो जस्ट उस विले विजन वाले पेलोड को लेकर हमें यहाँ ला के डालना है, और लिसनिंग कनेक्शन हमने MSF कंसोल के थ्रू ऑन कर दिया है, और जब हमारे विले विजन वाले पेलोड पर जैसे ही हमारा टारगेट डाउनलोड करने के बाद क्लिक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उसको, तो लिसनिंग कनेक्शन में हमें उस विंडोज़ के टारगेट कंप्यूटर से कनेक्शन मिल जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पर एक क्रिएट करना है, जो आपका पेलोड है, जो आपका फोल्डर है वो क्रिएट करना है, और उस फोल्डर के थ्रू हम फिर यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहें, और उस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमें जो हमने पेलोड जनरेट किया था वो पेलोड हमें लाके यहाँ पर डालना है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएटेड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपको ये ध्यान देना होगा कि हमने उस जो बनाया था, हमने जो पेलोड हमने जो जनरेट किया था विले विजन के थ्रू, वो कहाँ पर है, और उस पेलोड को हमको यहाँ इस फोल्डर में ला के डालना है। ओके, और फिर हमें उस वेबसाइट्स के थ्रू, मीन्स हमारे टारगेट कंप्यूटर की वेबसाइट के थ्रू हमें उसे एक्सेस करना है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उसको क्रिएट किया था पेलोड को, सो जस्ट कंपाइल्ड, और आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पेलोड। सो आप, मैं दो दो पेलोड क्रिएट करके रखे हैं, आप जिस पेलोड को चाहें उसको उठा सकते हैं। आपने अगर पेलोड पहले HTTP में बनाया था तो आप HTTP में लेंगे, अगर आपने उसको TCP में बनाया था तो आप TCP में लेंगे, और वही आप पेलोड को लिसन करते समय सेट करेंगे, आपका एल पोर्ट और आपका पेलोड का जो आपका मॉड्यूल है वो। ओके, आपको ध्यान है, ओके, अगर आपने रिवर्स TCP लिया होगा तो आप रिवर्स TCP लेंगे, अगर आपने रिवर्स HTTP लिया होगा तो आप रिवर्स HTTP लेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेलोड है, इस पेलोड को जस्ट हमें जो हमारा HTML की जो वेबसाइट वाला फोल्डर है वहाँ पर जाकर इसे कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि जो हमारा टारगेट है वो इसे एक्सेस कर सके। ओके, सो जस्ट इसे यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप लेके जाइए जहाँ आपका फोल्डर है वेबसाइट वाला। ओके, सो चलिए यहाँ से ये देखिए, ये है फोल्डर हमारा, इस पर ये हमने कॉपी करके, ये यहाँ पे हमने कट करके यहाँ पे ये कॉपी किया, और ये हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, और अब हमें जाना है अपनी, अब हम अपनी काली मशीन को, काली मशीन का जो सर्वर है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि वो एक वेबसाइट की तरह काम करे। ओके, तो एक्सप्लॉइट तो हमने कर दिया है, और अब हमें एक सर्वर की तरह काम कराने के लिए यहाँ पर एक कमांड है वो एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तो हमें देना पड़ेगा सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, एक कमांड देनी पड़ेगी, उससे कंप्यूटर जो है काली का वो एक सर्वर की तरह काम करेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि काली कम्स इन विथ अ वेब सर्वर,
मीन्स आप इसे एक वेबसाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो उसे यूज़ करने के लिए ये कमांड जरूरी है, ओके। और उसके फोल्डर, वेबसाइट वाले फोल्डर में आप ऑलरेडी ये डाल चुके हैं अपना जो आपका पेलोड है वो, ओके। सो जस्ट ये आपने स्टार्ट कर दिया, अब हमें जाना है अपनी विंडोज़ मशीन पर और विंडोज़ मशीन के थ्रू उस पेलोड को हमें, ये देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, मीन्स ये एग्जीक्यूट, ये कमांड रन कर गई हमारी। अब विंडोज़ मशीन पे जाके हमें जस्ट काली काली मशीन का आईपी देकर उसकी उसे एक वेबसाइट की तरह यूज़ करना है, ओके। अभी जो आपका काली मशीन वो एक वेबसाइट की तरह वर्क करना शुरू कर दिया है क्योंकि आपने अपाचे 2 सर्वर जो है वो स्टार्ट कर दिया, ओके। सो जस्ट आप अपने इसको ऑन करेंगे ब्राउज़र को और यहाँ पे आप अपने काली मशीन का आईपी दे दीजिए और ऑटोमेटिकली वो जो आईपी है वो एक वेबसाइट की तरह ऑन होगा। आप ब्राउज़र पर ध्यान से देखिए, आपको एक फाइल दिखाई दे रही है और ब्राउज़र पर काली का आईपी दिखाई दे रहा है, ओके। इंडेक्स ऑफ टूल, तो ये जो exe फाइल है इसे हमें डाउनलोड करना है और इंडेक्स की फाइल देख रहे हैं आप, जस्ट इस पर क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगी और हमें फिर विक्टिम से इसे इंस्टॉल कराना है, ओके। अब वो आपका माइंडसेट है, आपकी किस तरीके से आप उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने यूज़र को। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई यूज़र आपके टारगेट के कंप्यूटर पे और टारगेट से आप इसको जस्ट रन करवाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन द रन, और जैसे ही ये रन करेगा सो जो आपने लिसनिंग पोर्ट ऑन करके रखा है वहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिसनिंग कनेक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर इस पीसी को एज ए रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, ओके। ये जो कनेक्शन है ये कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो जाएगा और आप इस पीसी को फिर रिमोटली जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी देखिए मैं आपको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, ये आपकी फ़ाइल आ गई, इस पर जस्ट डबल क्लिक करें और जस्ट इसको रन करें और जैसे ही ये फाइल रन हुई जस्ट मिनिमाइज़ कीजिए इसको और चलिए काली मशीन पर और वहाँ पर हम देखते हैं काली मशीन पर जाके कि क्या चल रहा है। सो आप देखिए, देखिए मीटर पीटर सेशन ओपन हो गया है, अब ये जो कनेक्शन है विंडोज़ का एक कम्प्लीटली आपके पास आ गया है। अब आप इससे कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, सारी फाइल्स की डिलीट कर सकते हैं, आप इसे रिमोटली कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा पेलोड का सेशन कि किस तरीके से पेलोड क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से पेलोड जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।